हेलो फ्रेंड आप सभी देख रहे हैं सर्वेइंग और सर्वेइंग में आज हम सभी देखने वाले हैं टॉपिक है फोर बेयरिंग टू बैक बेयरिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं या बैक बेयरिंग से फोर बेयरिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आज देखेंगे और उसके साथ साथ आप इसमें सिंप्लिसिटी भी देखेंगे कितना ईजी है ठीक है तो जैसे यहाँ पर आपके सामने दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं जो एक टाइप का फोर बेयरिंग मैंने डब्ल्यू में लिया है और एक टाइप का फोर बेयरिंग मैंने आरबी में लिया है रिड्यूस बियरिंग में लिया है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बैक बियरिंग में वो चीज़ें हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है कि अगर फोर बियरिंग की वैल्यू डब्ल्यू सी बी में दी हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो 180 डिग्री से मोर है ज़्यादा है या तो कम है वो ध्यान में रखना अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 120 डिग्री ये 180 डिग्री से कम है जब भी वैल्यू 180 डिग्री से कम होगा तो इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे ये वैल्यू 120 है तो 120 डिग्री में 180 डिग्री आप ऐड कर देंगे तो जो भी वैल्यू आ रहा है वो बैक बियरिंग हो जाएगा और ये वैल्यू आपका किस में आएगा डब्ल्यू होल सर्कल बियरिंग में आ जाएगा तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं कितना हो गया 300 ठीक है 300 ये वैल्यू हो जाता है ये 300 डिग्री जो बता रहा है वो 300 डिग्री किस में है आपका होल सर्कल बियरिंग वो भी बैक बियरिंग में आ गया अभी ये वैल्यू को आप देख सकते हैं कि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है जो वैल्यू फोर बियरिंग में 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं जब बैक बियरिंग में और ये सेम लाइन का है बी लाइन का है तो वो क्या हो जाता है वन डिग्री इसमें माइनस कर देंगे तो ये टू डिग्री वन डिग्री से ज़्यादा है तो वन डिग्री इसमें माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू फोर्टी डिग्री ये आपका आ गया बैक बियरिंग में सेम ये भी 180 डिग्री से ज़्यादा है तो 330 डिग्री माइनस वन डिग्री कर देंगे ठीक है तो आपकी वैल्यू बैक बियरिंग में आ जाता है सेम यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वैल्यू को तो ये वन डिग्री से कम है तो इसमें वन डिग्री एड कर देंगे ये आपका है फोर बियरिंग और ये 180 डिग्री से कम है तो इसमें 180 डिग्री ऐड तो कर देंगे बहुत ही सिंपल है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे भी ज़्यादा सिंपल आपको देखने को मिलेगा ये अदर टाइप का नुमेरकल है जिसमें आपका फोर बियरिंग की जो वैल्यू दी है ये जो फोर बियरिंग है इसकी वैल्यू दी है रिड्यूस बियरिंग में तो रिड्यूस बियरिंग में आपको सिंपल जो एंगल है वही एंगल रहेगा बस डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे नॉर्थ का साउथ हो जाता है एंगल सेम रहेगा और ईस्ट का वेस्ट हो जाता है जो ईस्ट है वो क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है एंगल सेम रहेगा नॉर्थ का साउथ डिग्री एंगल जो है वो सेम वेस्ट का आपका ईस्ट हो जाएगा नॉर्थ का साउथ में कन्वर्ट कर देना है और साउथ का नॉर्थ में ईस्ट का वेस्ट में और वेस्ट का ईस्ट में जैसे यहाँ पे साउथ है तो नॉर्थ डिग्री सेम है और ईस्ट का वेस्ट यहाँ पर साउथ है साउथ का नॉर्थ एंगल सेम रहेगा 60 डिग्री और वेस्ट का ईस्ट इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अगर होल सर्कल बियरिंग में दिया है तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और आपका फोर बियरिंग अगर रिड्यूस बियरिंग में दिया है तो इस तरीके से करेंगे सो so, आपको ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा सेम इसी तरीके से बैक बियरिंग है तो फोर बियरिंग में अगर कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस यही करना है जो आप फोर बियरिंग टू बैक बियरिंग में कर रहे हैं सेम वही बैक बियरिंग से फोर बियरिंग करने में भी यही सेम प्रोसेस रहेगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा सो थैंक यू